तो गाइस माइनक्राफ्ट में आ गया है 1.20 का अपडेट और इस अपडेट के साथ माइनक्राफ्ट में आए हैं 16 आर्मर ट्रिम्स। तो इसलिए आज मैं कलेक्ट करने वाला हूँ उन सारे 16 आर्मर ट्रिम्स को इंक्लूडिंग द हार्डेस्ट वन साइलेंस आर्मर ट्रिम जिसको पाने का सिर्फ 1% चांस है। और इन सारे आर्मर ट्रिम्स को मैं कलेक्ट करने के बाद आर्मर्स में लगाऊंगा अभी जिसमें मेरे काफी ज्यादा डायमंड्स और नेदरराइट जाने वाले हैं। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता और वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो गाइस माइनक्राफ्ट में आया एक न्यू अपडेट इसलिए मैंने अपने वर्ल्ड को भी अपडेट कर लिया था 1.90 से 1.20 में। तो इस न्यू अपडेट का नाम है ट्रेल्स टेल्स जिसमें काफी सारी चीजें ऐड हुई हैं जैसे कैमल्स स्निफर चेरी ब्लॉसम बायोम और आर्मर ट्रिम्स और इसमें से मेरा सबसे फेवरेट आर्मर ट्रिम्स ही हैं। लेकिन आज मैं एक्सप्लोर करने वाला हूं 1.20 की सारी चीजों को जिसमें बहुत ज्यादा मजा आएगा। लेकिन ये सारी नई चीजें देखने के लिए सबसे पहले मुझे करना पड़ेगा काफी ज्यादा ट्रेवल बिकॉज आसपास के चंक्स ऑलरेडी लोडेड हैं तो वहां पे कोई भी अपडेट नहीं होगा। तो चलो जल्दी से थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेता हूं अपने वर्ल्ड को। अबे लाइट रे टूट गया। अब मैं घर कैसे आऊंगा बिकॉज मैं ऑलरेडी काफी ज्यादा दूर आ गया हूँ अपने घर से। ओके चलो सामने एक विलेज दिखाई दे रहा है तो वहां से मैं अपने इलाइट्रा को रिपेयर कर लूंगा। चलो यहाँ पे एक फार्मर है मैं इससे थोड़ी सी ट्रेडिंग कर रहा हूँ अभी जिससे मेरा पूरा इलाइट्रा रिपेयर हो जाए। और यस अभी मेरा पूरा इलाइट्रा रिपेयर हो गया तो मैं दोबारा से सर्चिंग स्टार्ट कर सकता हूँ। गैस अभी मुझे याद आया कि मैं नेदर के थ्रू भी तो ट्रेवल कर सकता हूँ। भाई ये बात मुझे पहले क्यों नहीं याद आती। तो चलो यहाँ से अभी थोड़ा सा दूर जाके एक नेदर पोर्टल बना लेता हूँ। ये बन गया अपना नेदर पोर्टल और अब चलता हूँ ओवरवर्ल्ड में। तो अब आ गया हूँ मैं न्यूली लोडेड चंक में और यहाँ पे मुझे वो सारी चीजें मिल सकती हैं जो अपडेट्स में आई हैं। तो चलो थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेता हूँ जगह को। ओके यहाँ पे मुझे मिल गया एक शिपरेक और आई थिंक शिपरेक में भी कुछ मुझे मिलना चाहिए। शायद मुझे कोई ट्रिम मिल जाए या फिर कुछ और मिल जाए। और भाई साहब यस भाई इतनी जल्दी ट्रिम्स मिल गए। मतलब मैंने सोचा था हल्का सा रेयर होंगे या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला ट्रिम सबसे ज्यादा सिंपल हो ढूंढना बट बाकी जो ट्रिम्स हो वो बहुत ज्यादा टफ हो। तो चलो भाई एक एक करके वो भी ट्राई मार लेंगे। और अभी यहाँ पे एक ट्रेजर चेस्ट होनी चाहिए और इसके अंदर कुछ नहीं है। मुझे लगा इसके अंदर भी शायद कोई ट्रिम मिल जाए लेकिन भाई मेरी स्टार्टिंग तो काफी ज्यादा अच्छी है। और यहाँ पे थोड़े से ओशियन रुइंस भी हैं तो इनको भी चेक मार लेता हूँ। और ट्राइडेंट दे दे भाई। भाई इसने ट्राइडेंट नहीं दिया बट मैं चाहता हूँ कि मुझे इनसे कॉपर मिल जाए क्योंकि मुझे ब्रश बनाना है एक वो मैं बना के नहीं लाया तो इनको पहन लेता हूँ। तो अगर सारे डाउन को मारने के बाद मुझे एक कॉपर का इंगट मिल गया तो मैं इससे ब्रश बना लूंगा। बस एक फैदर और चाहिए मुझे ब्रश बनाने के लिए बट मेरे पास फैदर नहीं है तो उसके लिए मुझे थोड़ी सी चिकन्स को मारना पड़ेगा कहीं से जाके। ओके फाइनली चिकन मिल गई है। आजा आजा भाई खाना खिलाऊंगा तुझे। अंकल जी पानी पिला दीजिए मेरा गला सूख। और ये अरे जा कहाँ रहे। अरे मैंने सॉर्ड से क्यों नहीं मारा भाई एक्टिंग के चक्कर में फेदर भी नहीं मिला। चलो भाई एक और मिल गई अब इसको बेल दूंगा। ओके फाइनली चलो फेदर मिल गया। चलो ये ब्रश बन गया अब सस्पिशियस ग्रेवल ढूंढ लेता हूँ। तो भाई कौन सी है सस्पिशियस ग्रेवल पता ही नहीं पड़ रहा भाई कौन सी सस्पिशियस ग्रेवल है। अब ये मिल गया सस्पिशियस ग्रेवल और देखो मुझे लग रहा है इसमें से कुछ खतरनाक निकलने वाला है। कुछ तो निकला एमरल्ड निकल गया। चलो इसमें से तो मुझे पता चल गया इसमें से शर्ड निकला है। और ये भी एक नई चीज़ आई है इसी अपडेट में इससे हम पॉट वगैरह बना सकते हैं। ज़्यादा कुछ खास नहीं है बट मिल गया कोई बात नहीं। तो गाइस जब तक मैं आर्मर ट्रिम्स को कलेक्ट कर रहा हूँ तुम लोग ये ग्राफ देखो जिसमें साफ साफ लिखा है कि 99.9% लोग जो मेरी वीडियोज़ को देखते हैं उन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है। बस एक बंदा ऐसा है जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो अगर गलती से भी वो बंदे तुम हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और चलो अभी वीडियो में वापस लौटते हैं। चलो थोड़ी सी और ग्रेवल दो। नहीं भाई मैंने यहाँ पे एक ग्रेवल तोड़ दी। कितना धुकोरा भाई तुम लोग समझोगे नहीं इतनी मुश्किल से यह मिला था फिर ग्रेवल तोड़ दी। चलो इसमें से भी कुछ निकल रहा है। अरे भाई एमरल्ड निकल रहा है भाई इसमें से दोबारा। चलो एक और ग्रेवल मिल गई और इसमें से निकल क्यों नहीं रहा। एक सेकंड नगेट था क्या वो। सही है भाई कुछ सामान निकलने से पहले ग्रेवल को तोड़ दो खराब चीज़ें आनी ही नहीं चाहिए। तो अभी मैंने सारे ग्रेवल छान माने बट एक भी काम का सामान नहीं मिला। लेकिन मेरे सामने एक ओशियन मॉन्यूमेंट है तो अभी वहाँ चल के देखता हूँ शायद वहाँ से एक ट्रिम मिल जाए। और ये गया भाई आखिरी एल्डर गार्डियन और इससे मिला क्या कुछ। भाई मेरे हिसाब से इनको मार के मिलना चाहिए तो पता नहीं भाई क्या हो रहा है। तो अभी मैं थोड़ा सा ट्रेवल कर रहा हूँ एक डेजर्ट बायोम ढूंढ रहा हूँ और डेजर्ट बायोम में मुझे जैसे ही डेजर्ट टेम्पल मिलता है तो समझो मुझे एक और ट्रिम मिल गया। और हाँ डेजर्ट बायोम में वैसे डेजर्ट विलेज के अंदर कैमल भी मिल सकता है तो उसको भी थोड़ा सा देख लेंगे। ओके यहाँ पे मुझे एक रुइंस और मिल गया और यहाँ पे हाँ सस्पिशियस सैंड है। गाइस अभी पता क्या हुआ मुझे लगा था दो सैंड से दो आयरन एक्स मिली तो मुझे लगा कि जो तीसरी सैंड है उससे भी आयरन की अगर एक्स निकल जाए तो बहुत तगड़ा मूवमेंट हो जाएगा बट जो तीसरी सैंड है उससे निकला अपना स्निपर एग। देखो भाई साहब मैं तो सच्ची में अभी इस टाइम पे भूल ही गया था कि मैं स्निपर एग के लिए आया था यहाँ पे बिकॉज ग्रेवल और सैंड में कोई ट्रिम तो मिलती नहीं है।
भाई चलो सही है, एक स्निफर एग मिल गया, बस एक और स्निफर एग चाहिए, फिर मैं बहुत सारी ब्रीडिंग करा के इनको हजारों की तादाद में ले जाऊंगा। तो चलो जल्दी से एक और स्निफर एग ढूंढ लेता हूँ। चलो गाइस यहाँ पे तो मुझे थोड़े से और सेंड के रूइंस मिल गया, और शायद यहाँ से मुझे यहाँ से मुझे एक और स्निफर एग मिल गया, और अब फाइनली मैं ब्रीडिंग भी करा सकता हूँ दोनों स्निफर्स की, जब ये ग्रो हो जाएंगे तो। और अब मेरे पास हो जाएंगे अनलिमिटेड स्निफर्स। मुझे तो अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ और मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी ढूंढ ली, तो अभी मैं जल्दी से ढूंढ लेता हूँ चलो एक डेजर्ट बायोम। और हाँ गाइस, वैसे ये देखो काफ़ी सारी नई नई एडवांसमेंट और ऐड हो गई है माइनक्राफ्ट के अंदर, तो उनको भी मैं पूरा कर लूँगा, वैसे ज़्यादा नहीं है, सिंपल है, तो शायद इसी वीडियो में ये सारी एडवांसमेंट भी पूरी हो जाए। तो गाइस मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी और मुझे पता चला कि एल्डर गार्डियंस को मार के हमें मिलता है एक ट्रिम, तो इस वाले ओशन मॉन्यूमेंट में जितने भी एल्डर गार्डियंस हैं उनसे पक्का मुझे मिल जाएगा एक ट्रिम। ओके गाइस, तो सबसे पहली न्यूज़ कि मुझे उस ओशन मॉन्यूमेंट से ट्रिम नहीं मिलता, और सेकंड बात कि उस ओशन मॉन्यूमेंट से निकलने के 30 मिनट बाद मुझे पता पड़ता है कि मेरी रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रही। लिटरली मेरा ध्यान ही नहीं जाता कि मेरी रिकॉर्डिंग हो भी रही है कि नहीं हो रही है, बिकॉज मेरी स्टोरेज फुल हो गई थी तो रिकॉर्डिंग नहीं हुई। और हाँ, उस टाइम में मुझे एक डेजर्ट मैप मिल जाती है और उसमें तीन तीन विलेज होते हैं, और उन तीनों विलेज में एक एक कैमल होता है, और ये देखो इनमें से मैंने एक विलेज में कैमल बंद करके रखा। भाई क्या सही मॉब लगता है ये मुझे, सच्ची में ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा मॉब लगा। मतलब माइनक्राफ्ट ने इस बार बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है मॉब्स पे, ये और स्निफर लाके देखो भाई कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है। और अबे ये तो अभी से सुस्ताने लग गया, और ये हवा में कैसे सुस्ता रहा भाई। चलो कोई नहीं, अभी इसको ज़्यादा परेशान नहीं करते, तो मैं इसको थोड़ी देर में लेके आऊँगा। अभी तो जिस चीज़ के लिए हम आए हैं वो सारी चीज़ें मुझे सबसे पहले करनी है, तो सबसे पहले मुझे ढूंढनी है ट्रिम्स। तो चलो एक डेजर्ट टेम्पल ढूंढ लेता हूँ, और देखो भाई ये यहाँ भी सुस्ता गया, इसका कुछ नहीं हो सकता। और एक सेकंड, मुझे कुछ तो दिखा, यस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक डेजर्ट विलेज, ओ डेजर्ट टेम्पल। तो चलो अब नीचे चलता हूँ और इसको हटा के देखता हूँ सारी चेस्ट। अबे ओ भाई, इसके नीचे गिरते मेरी क्या फटी है, सच्ची में मैं एकदम हालत टाइट हो गई थी। जी ये जो अचानक से जंप स्केयर मुझे मिलते हैं ना, मैं सच्ची में डर जाता हूँ। और यस, ड्यून आर्मर ट्रिम वो भी मुझे मिल गए हैं, और अब मेरे पास हो गए हैं 2 आर्मर ट्रिम आउट ऑफ 16। यस 16 न्यू आर्मर ट्रिम्स माइनक्राफ्ट ने ऐड करी है, और सारी की सारी मुझे ढूंढनी है, तो चलो जल्दी से ढूंढ लेता हूँ। ओके गाइस, अब भी मैं आ गया हूँ एक जंगल बायोम में, और यहाँ पे मुझे एक जंगल टेम्पल दिखा था, अभी पता नहीं पड़ रहा किधर है, तो ऊपर उड़ के देख लेता हूँ। ओके ये गया जंगल टेम्पल, अभी इसके अंदर मुझे एक और ट्रिम मिलेगी, तो चलो जल्दी से चल के ढूंढ लेता हूँ। तो यहाँ पे होती है एक सीक्रेट चेस्ट, और मेरे हिसाब से उसी के अंदर होना चाहिए। यस इसी के अंदर है वाइल्ड आर्मर ट्रिम, और अभी मेरे पास हो गए 3 आर्मर ट्रिम, और अगला आर्मर जो ट्रिम मुझे ढूंढना है वो मैं ढूंढूंगा एक एंशिएंट सिटी में। तो देखो एंशिएंट सिटी में 2 आर्मर ट्रिम मिलते हैं, एक है साइलेंस और एक है वार्ड। तो जो वार्ड वाला आर्मर ट्रिम है वो तो बहुत ज्यादा सिंपल ढूंढना है, बट जो साइलेंस आर्मर ट्रिम है वो है माइनक्राफ्ट का सबसे हार्डेस्ट आर्मर ट्रिम फाइंड करने के लिए, बिकॉज उसको फाइंड करने की चांसेस है 1.2% ओनली। मतलब अगर मैं 100 चेस्ट खोलता हूँ तो उनमें से मुश्किल से मुझे एक आर्मर ट्रिम मिलेगा, मुश्किल से वो भी। तो गाइस अभी मैंने एक एंशिएंट सिटी ढूंढ लिया चंगबेस से, और आई थिंक यहाँ से मुझे एक आर्मर ट्रिम तो मिलना चाहिए। तो अभी मैं यहाँ पे कलेक्ट करने आया हूँ वार्ड आर्मर ट्रिम, और अगर साइलेंस मिल जाता तो और भी अच्छा है। तो चलो एक एक करके सारी चेस्ट चेक कर लेता हूँ। अभी तो मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, भाई मैं नहीं चाहता यहाँ से वार्डन वगैरह निकल आए। अरे प्रेशर ये किधर से आई भाई, अरे भाई ये प्रेशर प्लेट क्यों रख रहे हो इधर। तो गाइस अभी मैंने पूरी एंशिएंट सिटी छान मारी, बट उसके अंदर कुछ नहीं है, तो अभी मैं सर्च करने वाला हूँ नेदर के अंदर, बिकॉज नेदर के अंदर 2 आर्मर ट्रिम्स हैं, सबसे पहले नेदर फोर्ट्रेस में, तो चलो वहाँ जल्दी से चल के ढूंढ लेता हूँ। तो मुझे अभी एक नेदर फोर्ट्रेस मिल गया, बट यहाँ पे मैं ऑलरेडी आ रखा हूँ, तो मुझे एक नया नेदर फोर्ट्रेस ढूंढना पड़ेगा, तो चलो चल के ढूंढ लेता हूँ। ओके इस चेस्ट में नहीं है, एक और चेस्ट इसमें भी नहीं है। तो अभी मैं जिस फोर्ट्रेस में गया था वो शायद ऑलरेडी लोडेड था, इसलिए उसमें से तो मुझे ट्रिम मिल नहीं सकता था, तो इसलिए अभी मुझे एक नया फोर्ट्रेस ढूंढना पड़ेगा जो ऑलरेडी लोडेड चंक में ना हो। तो हाँ देखो यहाँ पे अभी लावा नीचे गिर रहा है, मतलब ये ऑलरेडी लोडेड नहीं है, ये 1.20 वाले वर्जन में लोडेड है। और गाइस यहाँ पे मुझे मिल गया एक बेशन, और बेशन के अंदर भी एक ट्रिम मिलता है, तो चलो जल्दी से बेशन के अंदर चलते हैं। तो देखो गाइस मेरी मेन स्ट्रेटेजी क्या है, मैं एक भी पिगलिन को मारूंगा नहीं, बट मैंने अपने हाथ में पकड़ रखी लावा, जैसे वो मेरे सामने आएगा उसको पूरा झुलसा दूंगा, पूरा जला दूंगा। तो अभी चलो जल्दी जल्दी ट्रिम की खोज कर लेते हैं, बिकॉज यहाँ भी एक ट्रिम मिलती है। ओके गाइस मुझे यहाँ पे एक पिगलिन ब्रूट मिल गया, और मैं उससे थोड़ी सी दोस्ती कर रहा हूँ। या
ये मेरी स्टाइल में दोस्ती है। चलो गाइस फाइनली मुझे एक चेस्ट मिल गई और इसके अंदर है नेदरराइट स्मिथिंग टेम्पलेट, मतलब डायमंड से जब भी हमें अब नेदरराइट में कन्वर्ट करना होगा ना आर्मर तो इसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तो इसलिए ही मिल गया। चलो अच्छी बात है। ओके चलो अभी मैं आ गया हूं एकदम बेसिन के सेंटर में और इस वाली चेस्ट को लूट लेता हूं। चलो एक नेदरराइट का इंगट मिल गया और एक स्मिथिंग टेम्पलेट और मिल गई, तो ये मेरे काफी ज्यादा काम आएगी। बट मैंने सोचा था यार यहाँ पे ट्रिम मिल जाएगा, बट यहाँ पे तो नहीं मिला, तो थोड़ा सा मुझे और एक्सप्लोर करना पड़ेगा। इसके ऊपर चल के देखता हूँ शायद यहाँ से मिल जाए। वैसे ऊपर से काफी सारी आवाजें आ रही है, तो कोई पिगलिन ब्रूट मेरे ऊपर ना टपक जाए, और वैसे टपक भी जाएगा तो मैं उसको मारूंगा थोड़ी। वो गाइस क्या था, उसको थोड़ी सी ठंड लग रही तो मैंने गर्मी दे दी। छी भाई क्या लेम जोक्स मारता हूँ, भाई मारने आएगा तो मैं मारूंगा ना, क्या बात कर रहा हूँ मैं भी। ओके गाइस तो पुराने वाले बेशन के अंदर मुझे एक भी ट्रिम नहीं मिली और मुझे यहाँ पे एक और नया बेशन मिल गया, तो इसको थोड़ा सा खोज लेता हूँ। तो इस चेस्ट के अंदर निकलेगा पक्का, एक दो तीन कुछ नहीं निकल, इस वाली के अंदर निकल, इस वाली के अंदर भी नहीं है। चलो एक नेदरराइट क्या नाम था इसका रे, नेदरराइट स्मिथिंग टेम्पलेट मिल गई, नाइस। बट मुझे ट्रिम चाहिए, ट्रिम क्यों नहीं मिल रही भाई, नहीं है यहाँ पे अभी ट्रिम, एक और बेशन ढूंढना पड़ेगा मेरे हिसाब से। ओके गाइस उस वाले बेशन में भी कुछ नहीं था, बट मुझे एक नया बेशन मिल गया है और इसके अंदर चेक मार लेते हैं भाई, इसके अंदर मिल जाए बस। अच्छा भाई माने आएगा मुझे इतनी हिम्मत, अबे 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 भाई पीछे से हमला, रुक रुक तेरी तो, अभी मैं बताता हूँ उसको भी, भाई मार ही डाला था पूरा। हाँ तो भाई कुछ कह रहे थे क्या भाई, फालतू में पंगा ले लिया उसने। चलो इस चेस्ट को चेक, यस फाइनली भाई मुझे एक नई आर्मर ट्रिम मिल गई जो बेशन के अंदर मिलती है, तो अब मुझे यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो चलो जल्दी से यहाँ से निकल लेता हूँ। और अब मैं ढूंढ लेता हूँ एक फोर्ट्रेस, क्योंकि मुझे फोर्ट्रेस वाली जो आर्मर ट्रिम होती है वो भी चाहिए। ओह ओके तो बेशन के पास से मुझे एक फोर्ट्रेस मिल गया और आई होप मुझे यहाँ पे मिल जाए, बिकॉज मुझे ज्यादा घूमना नहीं फोर्ट्रेस वगैरह के अंदर। ओके यहाँ पे एक चेस्ट, काफी सारे डायमंड्स, काफी सारे और डायमंड्स। चलो एक और चेस्ट मिल गई और यस इसी के अंदर मुझे मिल गया रिप आर्मर ट्रिम, देखने में तो एकदम कड़क लग रही है। और अगर शायद मैंने तुम लोगों को बताया नहीं, बट इनमें से मैं एक ट्रिम अपने आर्मर पर लगाने वाला हूँ जो भी मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगेगी। तो गाइस अभी मैं आ गया ओवरवर्ल्ड में, बिकॉज जितनी भी बची कुछ ट्रिम्स हैं ऑलमोस्ट सारी की सारी ओवरवर्ल्ड में ही मुझे मिलेंगी, एक्सेप्ट वन जो मुझे एंड में मिलेगी। तो चलो जल्दी से सारी ट्रिम्स ढूंढ लेता हूँ। वेट नो वे भाई, यहाँ पे मुझे प्लेजर आउट पोस्ट मिल गया, तो इसमें भी मुझे एक ट्रिम मिलेगी, इतना मुझे पक्का है, मैंने देखा नहीं है। तो आई थिंक इसमें एक ही चेस्ट मिलती है उसके ऊपर वाले हिस्से पे, एंड यस यहाँ पे मुझे मिल गई एक नई ट्रिम जिसका नाम है सेंट्राई आर्मर ट्रिम, जो भी है मिल गई भाई को। भाई ये तो लकी मोमेंट हो गया, इतनी आसानी से एक प्लेजर आउटपोस्ट मिल गया। और अभी बचती हैं सिर्फ 10 आर्मर ट्रिम आउट ऑफ 16। भाई अभी 6 ही आर्मर ट्रिम कलेक्ट हुई है, मैं इतनी देर से दिमाग पीट रहा था अपना, भाई अभी तो बहुत ज्यादा और मेहनत करनी पड़ेगी। ओ भाई रैंडमली मुझे यहाँ पे एक चेरी ब्लॉसम बायोम मिल गया, और भाई देखो क्या मस्त लग रहा है। यस एक एडवांसमेंट और कंप्लीट होनी थी, वो भी हो गई, जो कि थी सारी बायोम्स में घूमना। तो देखो गाइस कितनी सही बायोम लग रही है। ओके अभी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से थोड़ी सी चेरी ब्लॉसम ये जो ट्रीज हैं इनकी सैपलिंग ले लेता हूँ। और हाँ गाइस अगर तुम लोग वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, तुम लोगों ने लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर देना, इस बार लाइक का एम है 30K लाइक्स। आई नो बहुत ज्यादा है, लेकिन तुम लोग पे पूरी उम्मीद है मुझे कि तुम लोग पूरा इसको करा दोगे। ओके गाइस तो अभी मैं यहाँ पे घूम रहा था और यस मुझे ये मिल गया, क्या तुम लोगों को पता ये क्या है? तो ये है एक ट्रेल रुइंस, और ट्रेल रुइंस में मुझे मिलेंगी काफी सारी संदिग्ध, तो ट्रेल रुइंस में मिलेंगे काफी सारी संदिग्ध ग्रेवल, और उनमें से निकलेंगी 4 डिफरेंट ट्रिम्स। यस सिर्फ इसी जगह से मुझे 4 अलग अलग ट्रिम्स मिलने की चांसेस हैं। चलो जल्दी से ढूंढ लेता हूँ। ओके यहाँ पे मुझे अपना पहला सस्पिशियस ग्रेवल मिल गया, और उसमें से क्या ट्रिम निकलेगा? यस ऑफकोर्स निकलेगा, भाई का लक इतना तगड़ा है। और अभी किधर गया? ओके ये गया, यस भाई एक आर्मर ट्रिम निकल रही है, एंड यस क्या नाम है इसका, रेजर आर्मर ट्रिम, भाई क्या नाम रखा है। तो भाई मजा ही आ गया एकदम। तो अभी मुझे बस 3 और आर्मर ट्रिम ढूंढनी है, भाई मुझे लगता है इसमें ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं होगा, यहाँ से मुझे इजीली मिल जाएगी 3 और आर्मर ट्रिम्स। ओके यहाँ पे एक और ग्रेवल मिल गई, और शायद इसमें से एक और ट्रिम निकली है, इसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा दोस्तों। ओके यहाँ पे एक और ग्रेवल है, और इससे एक पॉटरी शार्ड निकल रहा है, कोई बात नहीं लक अच्छा चल रहा है। और यहाँ क्या ये हैंगिंग साइन है? भाई हैंगिंग साइन नहीं चाहिए अपन को, नहीं भाई इतनी सारे ग्रेवल के पीसेस क्यों टूट रहे हैं?
चलो गाइस, अभी मुझे काफ़ी सारी क्रेवल्स एक साथ मिल गई हैं, और पहली वाली में एमरल्ड तो कोई बात नहीं, अभी और भी काफ़ी सारी हैं। इसमें से कुछ खतरनाक नहीं निकल रहा, इसमें से कुछ खतरनाक नहीं निकल। भाई ये क्या फालतू सामान मिल गया भाई, लगातार तीन ग्रेवल्स एकदम फालतू। देखो इसमें से निकलेगा एक ट्रिम, इसमें से ट्रिम निकलेगा, नहीं निकल रही कोई बात नहीं, यस बट इसमें से निकलेगा ना ट्रिम, बट इसमें से अपन को मिलेगी एक न्यू ट्रिम जिसका नाम है शापर आर्मर ट्रिम। नाइस, दो ट्रिम ऑलरेडी मिल गई है, दो नई ट्रिम्स और ढूंढिया इसमें से। यस यस, आजा आजा आजा, शायद नई ट्रिम है। यस, एक और ट्रिम मिल गई, वे फाइंडर आर्मर ट्रिम भी मिल गई मुझे। बस यहाँ से एक और आर्मर ट्रिम है जो मुझे चाहिए, और उसके बाद यहाँ से मैं निकल लूंगा भाई। इसमें है कि नहीं है, चलो यहाँ पे एक सीडी निकली है, और ये सीडी आई थिंक न्यू वाले अपडेट में ही आई है। यस, ये न्यू वाले अपडेट में आई है सीडी। तो एक सेकंड, क्या ये वाइट डाई साला क्रेवल के अंदर टाइप भर दी भाई साहब, दिमाग एकदम खराब हो जाता है। एक सेकंड, आर्मर ट्रिम, अबे यार ये तो ऑलरेडी मिल रखी, मुझे लगा भाई नए वाली आर्मर ट्रिम मिल गई। ओके 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 ओके, सही आ रही है, सही आ रही है। यस, फाइनली चारों आर्मर ट्रिम मिल गई है दोस्तों, अब वापस जाने का टाइम आ गया है। एंड गाइस हालत देखो, मैंने सोचा था ट्रेल रूइंस जो है वो छोटी सी जगह होगी, बट देखो कितने सारे ब्लॉक्स यहाँ से मैंने हटा दिए हैं ऑलरेडी। तो गाइस अभी मैंने ऑलमोस्ट सारी आर्मर ट्रिम्स कलेक्ट कर ली हैं एक्सेप्ट 6 आर्मर ट्रिम्स। तो चलो जल्दी से 6 की 6 आर्मर ट्रिम्स ढूंढ लेता हूँ। वेट, फाइनली एक वुडन मेंशन मिल गया। मैं सच्ची में बताया क्या ढूंढ रहा था, मैं ढूंढ रहा था वैसे हाँ, मैं न्यू चंक्स में आगे एक स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढ रहा था। यस, यहाँ पे आगे कहीं स्ट्रॉन्ग होल्ड था, बट भाई मुझे एक वुडन मेंशन मिल गया, और इसके अंदर एक और ट्रिम मिलेगी जिसका नाम है वैक्स आर्मर ट्रिम। तो चलो जल्दी से उसको जाके ले आता हूँ। इसके ऊपर देखो शायद एक चेस्ट होती है, उसमें मुझे मिल सकती है वैक्स आर्मर ट्रिम। एंड यस, मुझे मिल गई वैक्स आर्मर ट्रिम, और यहाँ से अभी मेरा कोई रिश्ता नहीं है। चलो जल्दी से यहाँ से निकल लेता हूँ भाई साहब। रुको, सबसे पहले इसको पेल के जाऊंगा भाई, इसने बहुत परेशान किया है। चलो अभी चल के बाकी सारे आर्मर ट्रिम ढूंढता हूँ। ओके, यहाँ पे एक ओशन मॉन्यूमेंट भी है, चलो इसके अंदर जाके इन एल्डर गार्डियंस को पेलते हैं। ए एल्डर गार्डियंस को पेलता हूँ, क्या इससे हमें मिलेगा? अबे यार शवल से क्यों पेल रहा हूँ, क्या इससे गाइस हमें मिलेगा वो नया वाला ट्रिम? लेट्स फाइंड इट। क्या मिला कुछ? पता नहीं। इस वाले से क्या गाइस हमको मिलेगा एक न्यू आर्मर ट्रिम? यस ऑफ कोर्स मिलेगा ना, फाइनली भाई ये मिल गया। पता है मैं सच्ची बोलूँ ना अगर, तो मैं 3 डिफरेंट ओशन मॉन्यूमेंट में गया था, और वहाँ के मैंने सारे एल्डर गार्डियन पे ले, लेकिन भाई एक ट्रिम भी नहीं मिला। तो मुझे सच्ची में लग भी नहीं रहा था कि इनसे मिलता है, बट फाइनली गाइस देखो कितने सारे ट्रिम्स अपने पास आ गए। ऑलमोस्ट गाइस हमारे पास 12 आर्मर ट्रिम्स हो चुके हैं, और अभी बस 4 रह गए हैं। तो चलो जल्दी जल्दी ढूंढ लेते हैं। ओके गाइस, तो अभी मैं आ गया हूँ एक नई जगह पे, और यहाँ पे मैं ढूंढने आया हूँ एक न्यू स्ट्रॉन्ग होल्ड। तो इस स्ट्रॉन्ग होल्ड में से मुझे एक न्यू ट्रिम मिलेगा, तो मुझे जो ट्रिम है वो यहाँ की किसी भी चेस्ट में मिल सकता है। तो मुझे सारी की सारी चेस्ट ढूंढनी पड़ेगी, और यहाँ तो ऑफकोर्स मुझे इतनी जल्दी नहीं मिलने वाला, क्योंकि मेरा उतना भाग्य तो अच्छा नहीं है। और गाइस ऐसे मैंने स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर 3-4 मिनट कुत्तों की तरह सर्च किया, बढ़िया फाइनली मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड वाला भी ट्रिम मिल गया। एंड गाइस अभी मैं आ गया हूँ एंड वर्ल्ड के अंदर, बिकॉज एंड सिटी में मुझे मिलेगा एक और ट्रिम। तो चलो जल्दी से उसको भी ढूंढ लेते हैं। ओके, काफी ज्यादा एक अच्छी एंड सिटी मुझे मिल गई, तो इसके अंदर मुझे पक्का मिल ही जाएगा। सबसे पहले शल्कर को पेलो। ओ भाई कितने सारे डायमंड्स हैं। फिर लाइटर लो, और भाई साहब सिर्फ 2 चेस्ट से मुझे 16 डायमंड्स मिल गए एंड सिटी के अंदर। ये वाली एंड सिटी तो बहुत बढ़िया है भाई। अब देखो जैसे मैं अगली चेस्ट लूटूंगा उसके अंदर से मुझे मिलने वाला है जो एंड वाले डायमंड्स मिलने वाले हैं। तो गाइस जो मैं अगली चेस्ट लूटूंगा उसके अंदर से पक्का निकलना चाहिए एंड वाला ट्रिम। यस, देखा पहली बार में ही क्या तुक्का मारा मैंने। तुक्का नहीं, मतलब तुक्का नहीं, एकदम सोच समझ के बोला था मैंने। वैसे गाइस मुझे ट्रिम मिल तो जाता है, लेकिन मैं एक दो एनसीटी और लूट लेता हूँ ऐसे मजे मजे में, क्योंकि काफी सारे डायमंड्स मुझे मिल जाते हैं, और मुझे काफी सारे डायमंड्स की आगे जरूरत पड़ेगी इसलिए। एंड अब टाइम है ओवरवर्ल्ड में जाने का, तो चलो जल्दी से चलता हूँ। और फाइनली अभी बची है बस 2 आर्मर ट्रिम, जो दोनों की दोनों मुझे मिलेंगे एंशिएंट सिटी के अंदर। तो चलो भाई काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मामला होने वाला है अब। और ये देखो, ये वो सारी आर्मर ट्रिम्स जो भी मैंने कलेक्ट करी है, प्लस नेदरराइट टेम्पलेट, स्मिथिंग टेम्पलेट जो भी है, ये सारे सामान मैंने कलेक्ट लिया। बस 2 ट्रिम्स और कलेक्ट करनी है, बट वो 2 ट्रिम्स ही सबसे ज्यादा टफ होने वाली हैं। ओके, एक एंशिएंट सिटी के कॉर्ड्स मुझे मिल गए हैं, और इसमें देखो मुझे दोनों ट्रिम्स मिलने वाली हैं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ, यू नो। यस, तुम लोगों का मेरे सिर पे सपोर्ट है, बस और क्या चाहिए।
तो अभी बस एक ही आर्मर ट्रिम कलेक्ट करना है अपन को, और वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट आर्मर ट्रिम है, साइलेंस आर्मर ट्रिम। उसकी बस 1% है, जैसा मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को बता रखा है। तो चलो जल्दी से उसको भी ढूंढ लेते हैं। और गाइज, अब मैं तुम लोगों को आगे ज्यादा बोर नहीं करूंगा, बिकॉज अगले मैं 3 से 4 घंटे बस एंशिएंट सिटी के अंदर जाता हूँ, चेस्ट लूटता हूँ, वार्डन से बचता हूँ, और फिर और चेस्ट लूटता हूँ, फिर वार्डन से बचता हूँ, दूसरी एंशिएंट सिटी लूटता हूँ। काफी सारे नॉचेस भी मुझे मिल गए, अच्छी बात है जो कि, बट साइलेंस आर्मर ट्रिम मिल गया। यस, मुझे साइलेंस आर्मर, तुम्हें को क्या लगा भाई मैं हार मान जाऊंगा? नहीं भाई, फाइनली मुझे साइलेंस आर्मर ट्रिम मिल गया। और इसके मिलने पे लिटरली मेरी आवाज़ की रिकॉर्डिंग नहीं थी, बट मैं जितना खुश होता हूँ भाई, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ मैं इसको मिलने के बाद। तो मैंने सारे आर्मर ट्रिम्स कलेक्ट कर लिए थे और उनको लेके मैं वापस आ गया था अपने बेस पे। और अभी मुझे ये डिसाइड करना था कि कौन सा वाला आर्मर ट्रिम मैं अपने आर्मर पे लगाऊंगा, और ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट डिसीजन था, क्योंकि 1.20 में 160 से भी ज़्यादा टाइप की कॉम्बिनेशन है नेदरराइट आर्मर में आर्मर ट्रिम्स के साथ। तो इसलिए मैंने काफ़ी ज़्यादा आर्मर की कॉम्बिनेशन ट्राई करे, और फाइनली बहुत ज़्यादा टाइम लगाने के बाद मुझे 2 आर्मर ट्रिम्स बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे। एक तो साइलेंस आर्मर ट्रिम डायमंड की कवरिंग में, और दूसरा रिब आर्मर ट्रिम, और वो भी डायमंड की कवरिंग में। तो इन दोनों आर्मर्स में मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज था, तो मैंने इसलिए एक डाल दिया था पोस्ट तुम लोगों से पूछने के लिए कि मुझे कौन सा आर्मर ट्रिम अपने आर्मर पर लगाना चाहिए। और साइलेंस आर्मर ट्रिम वन साइडेड बहुत अच्छे तरीके से जीत जाता है, तो इसलिए फाइनली मैं अपने पूरे आर्मर पर लगा लेता हूँ साइलेंस आर्मर ट्रिम। और ये देखो कितना ज्यादा अच्छा लग रहा हूँ मैं, सच्ची में ये आर्मर तो मुझे एकदम पसंद ही आ गया। तो फाइनली मैंने अपने आर्मर पर ट्रिम लगा लिया था, और अब टाइम था स्निफर को ग्रो करने के। तो मेरे पास 2 स्निफर एग थे, तो मैंने एक छोटा सा फेंस का एरिया लगा दिया और उसके अंदर रख दिए थे स्निफर एग, और थोड़ी देर में स्निफर एग से बाहर निकल आए। और देखो भाई कितने प्यारे लगते हैं ये स्निफर, सच्ची में मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट मॉब है किसी भी अपडेट में ये माइनक्राफ्ट के, मुझे तो बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे थे देखने में। तो फिर मैं यहाँ पे खड़े होकर वेट करने लग गया कि कभी ये स्निफर बड़े हो जाएं, और बड़े होकर ये सीड्स निकाले, एंशिएंट सीड्स, जिससे मैं इनकी और ब्रीडिंग करा सकता हूँ और यहाँ पे और स्निफर आ जाएंगे। और फिर बहुत टाइम बाद ये दोनों स्निफर धीरे धीरे करके बड़े हो गए, और इन्होंने मुझे थोड़े से शीट्स भी दे दिए। तो और भाई देखो अभी कितने खतरनाक से लग रहे हैं, देखो मुझसे भी एकदम दुगने तिगने बड़े हो गए थोड़ी देर में। तो फिर स्निफर भी जब ग्रो हो गए थे, तो अब टाइम था जितने भी मैं आर्मर ट्रिम्स लेके आया था उनको आर्मर्स पे लगाने की। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी डायमंड की माइनिंग कर लूं, बिकॉज इसके लिए काफी सारे डायमंड्स लगने वाले थे। तो मैं चल देता हूं थोड़ी सी डायमंड माइनिंग पे। तो सबसे पहले मैं क्या ट्राई करता हूं, अलग अलग केव्स में जाके ट्राई करता हूं यहां से मुझे काफी सारे डायमंड मिल जाएं। और ये वाला जो अटेम्प्ट होता है वो एकदम खराब होता है, बिकॉज अप्रोक्स में 1 घंटे माइनिंग करता हूँ डायमंड्स की, बट मुझे ज्यादा डायमंड्स नहीं मिलते। तो फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एंड वर्ल्ड में चला जाता हूँ एंड सिटीज की खोज करने, क्योंकि मुझे वहां से पिछली बार बहुत सारे डायमंड्स मिल गए थे, और वहां पे भी मैं काफी टाइम तक डायमंड की खोज करता रहता हूँ, और वहां से भी 2 स्टैक के अप्रोक्स मुझे डायमंड्स मिल जाते हैं, और उनको लेके मैं वापस से आ जाता हूँ अपने वर्ल्ड में। ओके गाइस, अभी मैं एंड वर्ल्ड से आ गया हूँ थोड़े से डायमंड्स लेके। तो सबसे अच्छी बात क्या हुई, जब मैं एंड सिटीज में लूट करने गया था, तो मैं वहां से काफी सारे स्पेयर आर्मर लेके आ गया, जिसपे मैं इजिली ट्रिम्स लगा दूंगा, और वहां से मेरे काफी सारे डायमंड्स बचे आएंगे। तो ये अच्छा डिसीजन था मेरा एंड सिटीज में जाने का। तो चलो अभी एक एक करके जितने भी मेरे पास आर्मर ट्रिम्स हैं उनको आर्मर्स पे लगा देता हूँ। और हाँ, वैसे मेरा प्लान है कि मैं डायमंड के आर्मर पर ट्रिम्स नहीं लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा ट्रिम्स सारे नेदरराइट के आर्मर पे, क्योंकि पिछले एपिसोड में काफी सारी नेदरराइट मैंने माइन कर दी थी ना, तो कहीं तो यूज करूं उनको। तो फिर मैं लग गया था सारे आर्मर्स बनाने में, और एक एक करके जितने भी मेरे पास आर्मर्स थे, जितनी भी ट्रिम्स थी, वो मैं सब बनाने लग गया, और सारे अलग अलग कलर में बना रहा था ज्यादातर मैं। और अप्रोक्स आधे घंटे में मैंने सारे आर्मर्स बना दिए, बट इसको बनाने में मेरे 1 स्टैक से भी ज्यादा नेदरराइट इंगट्स और शायद 500 से 600 डायमंड्स लग गए। भाई इसमें काफी सारे डायमंड्स चले गए मेरे। लेकिन ये देखो माइनक्राफ्ट में जितने भी आर्मर ट्रिम्स है सारे यहाँ पे मैंने रखे हुए हैं, वो भी अलग अलग कलर के साथ। और गाइस, इसी के साथ 1.20 में जितने भी अपडेट्स आए थे सबको मैंने एक्सप्लोर कर लिया। और हाँ, ऐसी मैंने एक वीडियो में पूरी एंशिएंट सिटी को ट्रांसफॉर्म किया था, एकदम तगड़ा वाला लुक दे दिया था। स्क्रीन पर आ रही होगी वो वीडियो, अगर तुम लोगों ने नहीं देखी तो जल्दी से देख लेना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। तो अब मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।